हेलो। हेलो बेटा, कैसे हो? जी माँ, मैं ठीक। खाना खाया तुमने? नहीं माँ, अभी खाना नहीं खाया, वो नीचे बाइक ठीक कर रहा था मैं। तुम हाफ क्यों रहे हो? सब ठीक है ना वहाँ? हाँ हाँ सब ठीक है। हाँ। वो आपका फोन आया ना, इसलिए भाग तो आया मैं ऊपर। तेरी फिक्र रहती है मुझे, ऐसा लगता है तू सेफ नहीं है वहाँ। वापस घर आ जा बेटा, यहाँ भी अच्छे कॉलेजेस हैं। मैं तेरे मामा से बात करके यहाँ किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दूंगी। माँ, 1 साल हो गया है, 2 साल की और बात है। वैसे भी आ रहा हूँ ना आपसे नेक्स्ट मंथ मिलने। ठीक है, मैं बस इतना ही कहूँगी कि अपना ख्याल रखना, टाइम से खाना, और मैं कुछ पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ, याद से शॉपिंग कर लेना। मैंने देखा फेसबुक पे, वही पुराने कपड़े पहन के रिया को डेट पे लेके गया था तू। अब मेरा फेसबुक चेक कर रहे हो? हाँ तो नहीं चेक करूँ? और रिया मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? वो तो बस थोड़ा। माँ हूँ मैं तेरी, सब जानती हूँ मैं। अब तेरे बारे में कुछ तो पता रखना होगा ना। माँ मैं करता हूँ आपसे बात। क्या हुआ बेटा? ये क्या वाहियत पना है? ये तुमने क्या किया? तुमने तो बेकसूर लोगों की जान ले ली जो यहाँ सिर्फ मैंगो जूस लेने आए थे। ये लोग कौन थे? मैं नहीं जानता, मुझे लगा इन लोगों को तुमने भेजा फिर से कोई मेरा बकवास सा टेस्ट लेने के लिए। नहीं 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 नहीं, मैं यूं ही नहीं किसी को भेजता, सबका कोई ना कोई मकसद होता है। और वैसे भी मैं लोगों को नहीं जानता। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। पापा की यादें, रिया की नई ड्रेस। तुम मेरा दिमाग पढ़ना बंद करोगे? क्या मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूं? तुम पता लगा सकते हो वो लोग कौन थे? नहीं, हर चीज तुम्हारे बाएं का खेल नहीं हो सकती।
कुछ पता लगा? मैं कोशिश कर रहा हूं। पर तुम ये सब बदल सकते हो, पर तुम ये सब जानते हो तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम ये सब बदल सकते हो, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम ये सब बदल सकते हो मेरे बच्चे। मैं सुन सकता हूँ इन आवाजों को। मैं वापस कर आ सकता हूँ चर्च। मैं जानते हो तुम्हें क्या करना चाहिए। सर वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। हाँ देखा मैंने। वी आर सॉरी सर, हमें एक दिन और चाहिए। वी नो समवन हु कैन हेल्प। This is illegal, man. We cannot kill someone just because our boss wants us to. Don't forget, we work in Fox Corporation. And murder is not what I signed up for. I work for my boss. जैसे वो मुझसे बोलते हैं मैं वैसा करता हूं। अगर वो चाहते हैं कि मैं उस लड़के को मारूं, then I will kill that boy. ये गलत है। हमें तो ये भी नहीं पता वो ये सब क्यों कर रहे हैं। क्या तुम इंतजार कर रहे हो कि आसमान से कोई आएगा और तुम्हारी फैमिली को तुमसे छीन के ले जाएगा? I'm sorry. कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और हम मिलकर इसे रोक सकते हैं। We are doing best for the humanity. Okay. एक दिन और गुजर गया आपकी तलाश में रह। आज इतना अजीब हुआ कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, पर मैं जानता हूं आप मुझे देख रहे हैं दूर कहीं से। I love you, Dad. I love you. बस यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी आशा। तुम मैं ये सब पहले ट्राई कर चुका हूँ। पागल हो गए हो? मैं तुम्हें और चर्चित को एक बेहतर जिंदगी देने से रोक नहीं सकता। बेहतर जिंदगी ही जी रहे हैं। हमारा खुद का घर होगा, रिस्क लेना बहुत जरूरी है। I miss you, Dad.
मिस यू। जादू से नहीं, जादू करने वालों से डरती है दुनिया, पापा सही कहते थे। पर मैं एक जादूगर हूं, मुझे तब पता चला जब मैं उनकी तलाश में निकला। लाखों सवाल थे और कुछ जवाब भी, पर उनमें से किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। फिर मेरी मुलाकात हुई एक ऐसे इंसान से, ऐसे भगवान से, जिसने मुझे यकीन दिला दिया जादू पे। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाए मैजिक से, एक चुटकी में, पर ये इतना भी आसान नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ माँ। हेलो बेटा, दिल्ली में कर्फ्यू लगा है? नहीं तो। टीवी पे न्यूज़ आ रही है, तुम आज कॉलेज मत जाना, ठीक है? चेक तो कर लूँ माँ। Buses were torched, OB vans were attacked, and people have also been killed. The death toll is rising as we speak, and this is really the sight of carnage that the Haryana government has not been able to stop. अब मैं तैयार हूँ फ्यूचर में आने वाले हर एक चैलेंज के लिए, और आपको भी होना चाहिए। क्या पता राह चलते किसका सामना करना पड़ जाए। अबे जाना, चल 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 चल, हो गया बेटा खत्म, चलो। ओ शाकालाका बूम।
पूरे 2 लाख। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए बहुत अजीब होगा ऐसी जगह रहना जहां अपना कोई ना हो। मेरी माँ ने कुछ गलत करने के लिए मना किया था, वरना मैं तुम्हें उसी वक्त मार देता। कौन किसको मारेगा इसका फैसला तो मैं करूंगा। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो हमें चाहिए? मौत से डरना सीखो, खुद के लिए नहीं तो अपनों के लिए। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हें यहां क्यों लाया गया है? इस बार तेरी नहीं की, हद होती है। वो मुझे कुछ बताने वाला था, मुझे कुछ पता चलने वाला था यार। तुम 2 मिनट बाद नहीं आ सकते थे? वो तुम्हें मारना चाहते थे। नहीं, अगर उन्हें मुझे मारना ही होता तो पहले ही मार देते। यू नो वॉट, तुम उनसे मिले हुए हो, मुझे यकीन है तुम उनसे मिले हुए हो। और कल जिन लोगों ने मुझ पे हमला किया ना, वो लोग भी तुम्हारे ही थे। और आज जो मेरे साथ हुआ ना, उसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ था। तोफा हो जाओ। Is everything fine? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई है क्या अंदर? मुझे बहुत अजीब सी आवाजें आ रही थी अंदर से। सब ठीक तो है? सब ठीक है। कुछ हुआ है क्या? कॉलेज के बाद कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुमने एक बार भी मेरा कॉल पिक नहीं किया। You know what? I'm so concerned about you. There was a problem, but अभी सब ठीक है। Don't worry. Okay, promise me one thing. You're gonna tell me each and everything. Any kind of problem. Okay, you're gonna tell me. Okay? अबे जा।
पर तुम ये सब बदल सकते हो और तुम ये सब जानते हो तो मैं क्या करना चाहिए। तुम ये सब बदल सकते हो, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। मैं एक बेहतर जादू बना सकता हूँ। पागलपन मत करो आशय, तुम जानते हो ये सेफ नहीं है और सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये सब ठीक नहीं है। You know, we both can do much better things. इसमें गलत क्या है? एक जादू हम सब की जिंदगी बदल देगा। देखो, चर्चित का एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाएगा, तुम तो ऐशो आराम की जिंदगी जियोगी। I'm getting closer to life, which I promised to you. तुम्हारे बिना? ये बेवकूफी है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं ये सब पहले ट्राई कर चुका हूँ। तुम जानते हो हमने क्या खोया है? खोने के डर से मैं तुमको बेहतर जिंदगी देने से रोक नहीं सकता। सोचो ना, हमारा खुद का घर होगा। आशय, ये हमारा ही घर है। ये हमारा घर नहीं है, ये तुम्हारे पिता का है। तुम्हारे बिना यहाँ कुछ नहीं है, तुम्हारे बिना ये घर भी घर नहीं है। मैं नहीं जानती क्या होगा, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहती। चर्चित अपने पिता को खोना नहीं चाहता। मैं ये सब अकेले नहीं कर सकती आशय, तुम्हारे बिना नहीं। I need to do something. से बाहर निकलना चाहता हूँ और हो सकता है ये जादू सबकी जिंदगी बदल दे। It can change our lives. चर्चित's life. I love you. Trust me. I trust you. ओके, कॉलेज के बाद कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुमने एक बार भी मेरा कॉल भी नहीं किया।
What happened? मेरा फोन. Should I call you? मेरा फोन नहीं मिल रहा यार. Wait. मैं कॉल कर रही हूँ. अंकित उठ, मेरा फोन नहीं मिल रहा यार. क्या है भाई? मेरा फोन नहीं मिल रहा है. हाँ तो यार, माँ के भी फोन आए होंगे. काम डाउन, मिल जाएगा. अंकित भाई, मेरा फोन कहीं रह गया है यार. क्या क्या बात कर रहा है तू? मेरा फोन ट्रैक कर सकता है? फोन हाउ टू है. मजाक कर रहा था. जीपीएस में प्रॉब्लम हो रही है शायद. एक सेकंड, फोन तो ट्रैवल कर रहा है. कहां पे? झांसी. मॉम, और फिर वो राक्षस हमेशा हमेशा के लिए वहां से चले गए. कहानी खत्म. अगर तुम्हारी कहानियां खत्म हो गई हो तो सोने चले. आ रहा हूं. चर्चित, तुम भी सो जाओ. यस मॉम. यस मॉम. डैड, आप बहुत टाइम के लिए कहीं जा रहे हो ना? बहुत नहीं, लेकिन थोड़े से लंबे वक्त के लिए. आप वापस तो आओगे ना? Of course, हमेशा की तरह मैं वापस आऊंगा. मैंने कल आपको और मॉम को लड़ते हुए सुना. यह सेफ नहीं है ना डैड? हे, तुम जानते हो ना तुम्हारी मॉम तुम्हारी कितनी फिक्र करती है. Never ever disappoint her. Okay. शो जैसे ही खत्म होगा मैं तुरंत वापस आऊंगा. Okay. चलो सो जाओ. आप कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? कभी नहीं. भुला दो मेरी यादों को, ना जाने क्यों याद है अरसे से बेवजह साथ है. क्यों मुझे मेरा मन सब हारा दिखे, बस कुछ पलों की बात है. छुआ कोई ऐसे कोरे मनसा सवेरा जैसे, फिर आंखें खुली कुछ न था. दरिया खुद को कहता, अंधेरे में भी खुद ही रहता, फिर आंखें खुली कुछ न था. भुला दो मेरी यादों को,
ना जाने क्यों याद है। चर्चित तुम? कॉलेज 2 दिन के लिए ऑफ था, सोचा आपको सरप्राइज दे दूं। मेरा बच्चा। आप कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? कभी नहीं। सुन सकता हूं इन आवाजों को, महसूस कर सकता हूं तुम्हें। मैं जिंदगी की उन पहेलियों में उलझा हूं जो शायद कभी सुलझ ना पाए, पर तुम ये सब बदल सकते हो। तुम ये सब बदल सकते हो मेरे बच्चे। मैं वापस घर आ सकता हूँ चर्चित, और तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। पहुंच गया तू? हाँ हाँ, काफी टाइम हो गया। अच्छा तो बताएगा कौन चूती है? सॉरी, ये क्या कर रहा है तू? शेव कर रहा हूँ, देख नहीं रहा क्या? अरे वो तो ठीक है, ये नीचे क्या पहना हुआ है तूने? ये हमारे यहाँ इसका मतलब है उम्मीद, और इसे कहते हैं महाकाल। मैन ऑफ स्टील मैंने भी देखी है, पर कॉमिक कॉन में तो मैं ही जा रहा हूँ ना रिया के साथ। उसने क्या पहना? उसने वाइल्ड कैट लग रही है पूरी। बात कराना, खुद कर ले फोन। चल ठीक है। अच्छा ये तो बता तू वापस कब आ रहा है? देखता हूँ यार, अगर मेरा शक सही निकला तो उन्हें यहाँ होना चाहिए। क्या लगता है महाकाल की जरूरत पड़ेगी? नहीं, ये सब मैंने शुरू किया है, खत्म भी मैं करूंगा। चल ठीक है, चल रखता हूँ, सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट चूती। माँ, माँ, चर्चित ये मिस्टर खन्ना है, हमारे एनजीओ में फंड रेज कर रहे हैं, और इतना ही नहीं इन्होंने 50 लाख का डोनेशन भी दिया है। एनजीओ? हाँ। ओह आई एम सो सॉरी बेटा,
मैं इन सब काम में इतनी बिजी हो गई कि तुम्हें बताना ही भूल गई। वी हैव स्टार्टेड एन ENGO और अगर सब कुछ सही रहा तो स्वच्छ भारत अभियान हमें स्पॉन्सर भी करेगा। That's really good, ma. दुनिया बचाने में लगे हो आप। महाकाल जैसे। चर्चित, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे क्यों? Just to know you, son. Go on. चर्चित, अच्छे से। ओके। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। मिस्टर सक्सेना कैसे हैं? डीन सर अच्छा। मेरी बात हुई थी उनसे, पता चला तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो। कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारी माँ को कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि तुम वहां पढ़ने नहीं अपने डैड को ढूंढने गए हो। हम दोनों को पता है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे डैड के जाने के बाद तुम्हें किस तरह पाला है। आई नो तुम उन्हें मिस करते हो, आफ्टर ऑल ही वॉज योर फादर। ही इज माई फादर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो जा चुके हैं। डैड को खोने का दर्द मैं समझता हूँ, बट योर मॉम शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर यू विद और विदाउट योर डैड। उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि तुम रात रात भर क्या करते हो। वो टूट जाएंगी। चर्चित, डोंट डू दिस टू हर। लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। लाइफ इज ब्यूटीफुल। इस सबसे बाहर निकलो यार। मुझे डर है कहीं तुम जो खो गया उसे पाने की उम्मीद में कहीं खुद को ना खो दो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। रिया से वीडियो चैटिंग? हाँ नहीं, वो मैं अंकित से वीडियो चैट कर रहा था। यू नो इट्स सो गुड टू हैव यू बैक हियर। तुम्हारे बिना घर बहुत खाली सा लगता है। कॉलेज इज जस्ट अ लिटिल वाइल लॉन्गर सो एवरीथिंग इज ओके। या college friends, academics. Hmm. You know you can talk to me about anything, right? Of course, ma. I know that. And yes, everything's going perfect. I'm going to sleep. You had a very long journey. It's better you also sleep, okay? बाल कटाने के इरादे हैं या नहीं? Good night. माँ आप खुश तो हो ना? ऑफकोर्स बेटा, तुम यहाँ हो, मेरे पास हो, मेरे साथ हो, आई एम वेरी हैप्पी। Thank you.
कबीर आर यू गोइंग समवेयर? झांसी। झांसी बट व्हाई? ये सारा का सारा किस्सा ही खत्म करना है। पर क्यों? बिना किसी वजह के किसी की जान लेना, और इनफैक्ट जान लेनी क्यों है? तुम समझ क्यों नहीं रहे कबीर? हम नहीं जानते हम उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। सिर्फ तुम्हें। ऐसा क्या है कबीर जो मैं नहीं जानता? कबीर बिना जवाब जाने मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। कबीर ये क्या पागलपन है आदित्य? आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू अगेन कबीर। वो चिड़चित, उसके पास एक ऐसी मैजिक पेंसिल है जिससे वो जो कुछ भी बनाता है वो सब रियल हो जाता है। हाँ मैं जानता हूँ। Whenever he uses the pencil, bad things happen. Bad things? Where? अप्रैल 2004, नेपाल में एक भूकंप आया जिसका रेक्टर स्केल 8.4 था। 30 किलोमीटर के अंदर सारे घर तबाह हो गए, हजारों जाने गईं, और इसरो सैटेलाइट उसने ये दावा किया कि टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट तक नहीं हुई है। और यही हलचल पिछले 10 दिन से हो रही है। जानता हूं मुझे क्या करना है। ओ शिट, वो फिर से पेंसिल का यूज कर रहा है। एक्सपेंड फ्रीक्वेंसी कहां से आ रही है? झांसी महसूस कर। जानते हो तुम्हें क्या करना है? सवाल है मेरे। क्या जवाब दूं मैं उसका जो सवाल तेरा? दे दूं जवाब तो तू पूछे क्या सवाल तेरा? मैं जानना चाहता हूं क्या है ये पेंसिल। अभी थोड़ी देर पहले मुझे लगा ये मुझसे कुछ कह रही है। मुझे मेरे डैड की आवाज सुनाई देती है। क्यों मैं इससे जो बनाता हूं वो सब सच हो जाता है? आखिर क्या है ये पेंसिल? क्या तुम सच में जानना चाहते हो क्या है ये पेंसिल? क्या तुम सच में जानना चाहते हो क्या है ये पेंसिल? हाँ मैं जानना चाहता हूं।
अरबों साल पहले दुनिया के दूसरे छोर पर जब गुरूर की आग में डूबे अमीरों ने गरीबों को लूट लिया और उन्हें राक्षस बनने पर मजबूर कर दिया तो कयामत आई और अकाल पड़ गया, लाखों मौत हुई। अन्य की तलाश में निकले अमीर गरीब को समुंदर के कोने में अद्भुत भव्य मिला। वहां मंथन करना शुरू किया तो उस अद्भुत भव्य से वस्तुओं का आगमन हुआ। विष्णु के कहने पर उन वस्तुओं को बारी बारी दोनों पक्षों में बांटा गया। काल की ऐसी माया थी कि सारी अमूल्य वस्तुएं देवताओं के हिस्से में आ गई। राक्षस गुस्से से फूल रहे थे कि तभी देवताओं के हिस्से में विष आ गया और उस विष का सेवन करना अनिवार्य था। ये जानकर राक्षस खुश हो गए क्योंकि वो जानते थे कि देवता इसे पीकर स्वर्ग लोक सिधार जाएंगे। पर देवताओं ने इस कार्य हेतु भगवान शिव को चुना। उन्होंने सारा विष अपने कंठ में समा लिया। राक्षस हैरान थे। समुन्द्र मंथन से अगली अमूल्य वस्तु थी अमृत, जो राक्षसों के हिस्से में आई। भगवान विष्णु आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि अगर राक्षस अमर हो गए तो देवताओं का नामो निशान मिटा देंगे। भगवान विष्णु ने छल से एक लड़की का रूप लिया और राक्षसों को मोहित कर लिया और उनको अमृत पिलाना शुरू कर दिया। छल से भगवान विष्णु सिर्फ देवताओं को अमृत पिला रहे थे और राक्षसों को जल। राक्षस में बैठे राहु केतु को शंका हुई। उसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। उसने प्रार्थना की कि इस मोहिनी का असली रूप उसके सामने आ जाए। उसने जब आंखें खोली तो उसे भगवान विष्णु अमृत पिलाते दिखे। वो जान चुका था कि राक्षसों के साथ छल हुआ है। उसने छल से देवताओं का रूप धारण किया और देवताओं के साथ जा मिला। उसके अमृत पीते ही सारे देवताओं को पता चल गया कि ये राहु केतु है। युद्ध का ऐलान हुआ और राहु केतु सभी देवताओं पर भारी पड़ गया। भगवान विष्णु ने युद्ध में राहु केतु का सर धड़ से अलग कर दिया। राहु केतु की चीख से ऐसा जलजल आया कि धरती फट गई और धरती के घर में बैठे शुक्राचार्य की तपस्या भंग हो गई। राहु केतु के गुरु शुक्राचार्य को जब पता चला कि विष्णु ने छल किया है और बगावत हो रही है तो उन्होंने विष्णु को श्राप दिया और सभी राक्षसों को धरती से हमेशा के लिए ले गए और कभी वापस नहीं आए। एक सेकेंड, ये कहानी तो मेरे डैड भी सुनाते थे, पर मैं जानना चाहता हूँ ये पेंसिल आई कहाँ से है। नारायण नारायण। तुम उस पर नजर रखोगे। मनुष्य विज्ञान में बहुत आगे निकल गया वो पेंसिल, पर इतना नहीं तो आपका आगमन कैसे होगा कि आपके बनाए यंत्रों को निरस्त कर सके। तुम उस पर नजर रखोगे जब तक वो पेंसिल पहुंच नहीं जाती तो आपका आगमन कैसे होगा प्रभु। हे प्रभु, ये धरती किसी की आदिम नहीं, वहां देवों का भी कोई नामो निशान नहीं, वो मात्र मंदिरों में कठपुतलियां बनकर रह गए हैं। आपका कथन सत्य साबित हुआ। यह मनुष्य प्रजाति अपने स्वार्थ में इतना डूब गई है कि इन्होंने धरती को 70% तबाह कर दिया है। वो मेरी जन्मभूमि है। मनुष्य विज्ञान में बहुत आगे निकल गया है, पर इतना नहीं कि आपके बनाए यंत्रों को निरस्त कर सके। तो जन्मभूमि पर लौटने का हुक्म करें। विष्णु के बनाए गए कवच से हम कभी धरती पर नहीं पहुंच सकते, और अगर हमने ऐसा किया तो हमारी उम्र कम हो जाएगी। तो आपका आगमन कैसे होगा प्रभु। सिर्फ मनुष्य हमारा स्वागत कर सकता है। ये छड़ी मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी और यही हमें धरती पर बुलाएगी। ये किसी ऐसे मनुष्य को दो जो स्वार्थ में इतना डूब जाए और किसी भी सीमा को तोड़ दे। तो कार्य संपन्न करें प्रभु।
नारायण नारायण। भैया कितना हुआ? अरे भैया इतना टाइम बाद आए हो, 10 रुपए कम दे देना और क्या। अरे सामान तो रोज ही जाता होगा ना। अरे नहीं भैया, आप ही काफी टाइम बाद आए हो। जब से वो बड़े साहब आए हैं ना, तब से मेरी दुकान से सामान बंद हो गया है जाना। अब तो बड़े मॉल से सामान आता होगा। ये ले भाई। कौन साहब? अरे वो कोई बड़ी गाड़ी वाले हैं ना, खन्ना साहब। हाँ हाँ वही। अरे वो तो मामा है मेरे दूर के। लगता तो नहीं है भैया। पकड़े से। बहुत टाइम के लिए कहीं जा रहे हो ना? बहुत नहीं, लेकिन थोड़े से लंबे वक्त के लिए। आप वापस तो आओगे ना? कोर्स, हमेशा की तरह मैं वापस आऊंगा। तुम जानते हो ना, तुम्हारी माँ तुम्हारी कितनी फिक्र करती है। माँ! 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 फोन यहाँ कैसे? कौन बोल रहा है? अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो जान से मार दूंगा। अगर वो पेंसिल मुझ तक नहीं पहुंची तो मुझे डर है कहीं तुम अपनी माँ को ना खो दो। आई नो हु यू आर और मैं आ रहा हूं। क्या ये सही है कबीर? मैं समझता हूं, पर यही सही है। हम उसे मारना नहीं चाहते, लेकिन वो हमें मजबूर कर रहा है। एक बार पेंसिल हम तक आ जाए, उसके बाद हम सबको आजाद कर देंगे। बस कोई प्रॉब्लम ना हो। कबीर
कबीर कबीर हेलो हेलो सर वो आ रहे हैं तुम्हारा सफर यहीं तक था। जिसकी तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे सामने खड़ा है। किल में मेरी माँ कहाँ है? और रियली चर्चित, तुम यहाँ इतनी दूर इतने लोगों की जान लेकर अपनी माँ को ढूंढने आए हो। मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। स्टॉप देयर। ये पूरा एरिया क्लास 4 मिलिट्री ग्रेड लेजर से इक्विप्ड है। अगर तुमने एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो हो सकता है तुम्हें चलाकर राख कर दें। अपना फोन चेक करो। ठीक है देसी, अपना फोन चेक करो। ट्वेंटी वन मिस कॉल्स एंड टू वॉइस मेल्स। प्ले करो। पिछले एक घंटे में तुमने 16 जाने ली हैं। तुम्हारी माँ तो घर पर है, फिर यहां तुम किसे ढूंढते हुए आए हो? किसे चर्चे? किसे? ये मुझे क्या हो गया है? क्या हो गया है मुझे? वही जो तुम्हारे डैड को हुआ था। आप जानते थे उन्हें? जानता था। मैं जानना चाहता हूं उनके साथ क्या हुआ। प्लीज मुझे बताओ। तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? तुम इससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे चर्चित। मैं ये सब नहीं करना चाहता था। नहीं करना चाहते थे? You took 16 lives, चर्चित। आप जानते हो ये सब क्या हो रहा है? How your mom gonna react on this? माँ, मैं उन्हें खो दूंगा। Just like my dad. तो मुझे तुम्हारे डैड की याद दिलाते हो चर्चित। So self-consumed, so blinded by your ignorance, just like your father. But even your father chose to die with honor. Who killed my dad? Who killed my dad? Me. Thank you.
आई नीड योर हेल्प. सर सर वो फिर से भाग गया. शहर के सारे सीसीटीवी हैक करो, मुझे उसकी लोकेशन चाहिए अभी. सर इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. इम्पॉसिबल तो नहीं है ना. सर बहुत हो गया चर्चित, नो मोर लाइफ्स. चर्चित मैं आ रहा हूं. तुम इससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे. यू टुक 16 लाइफ चर्चित. ठीक तो ये सब क्या हो रहा है? मैंने पता लगा लिया है, वो फॉक्स कॉरपोरेशन के लोग हैं. और फॉक्स कॉरपोरेशन एक ऐसी संस्था है जो लोगों के भलाई के लिए काम करती है. लेकिन फिर वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? मेरी पेंसिल की वजह से. चर्चित ये तुम्हारी पेंसिल नहीं है, मैंने रिसर्च की है, ये पेंसिल इस दुनिया की है ही नहीं. सन 2003 में इसे फॉक्स कॉरपोरेशन से चुरा लिया गया था. और चोरी किसने की, कौन था, कहां से आया, किसी को पता नहीं चला. मैं नहीं जानता है क्या हो रहा है. मुझे बहुत फिक्र हो रही है, कुछ गलत तो नहीं होगा ना? हम कुछ गलत होने ही नहीं देंगे. मतलब ये चर्चित कि अगर हमें सबको बचाना है तो हमें इस पेंसिल को तुमसे दूर रखना होगा. ये पेंसिल गलत हाथों में पड़ गई तो? ये अभी भी गलत हाथों में ही है चर्चित. चर्चित इट्स ओवर, देयर इज नोवेयर टू गो. ये पेंसिल मुझे दे दो. तो सबके सब मिले हुए हैं. ये सब तुम्हारे भलाई के लिए है चर्चित, और जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है. क्या सही और क्या गलत? ये तुम्हारे डैड ने सिखाया होगा ना. जब कोई स्कूल में तुम्हें बुली करे उसे मुंह तोड़ जवाब देना. जब कोई चीज ना मिले तो गिव अप मत करना. हर वो बात जो यू हैव योर डैड, आई डोंट. दिस इज नॉट यू चर्चित,
यू डोंट टॉक लाइक दैट. अरे तुम लोगों ने समझ क्या रखा है? चर्चित ये सही है, चर्चित ये सही नहीं है, ये करो वो करो. मैंने जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं. सर आई एम शूटिंग हिम. नहीं वेट, तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारे पिता ने किया था. रुक जाओ वरना मैं वही करूंगा जो मैंने पहले किया था. तू जानता है अंकित, इस आदमी ने मारा मेरे डैड को, इस आदमी ने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया. अब इकलौती चीज जो मेरे डैड को वापस ला सकती है वो भी मैं इसके हवाले कर दूं. डोंट मेक मी शूट यू, आई एम नॉट गोना आस्क यू अगेन. अंकित रिया को यहां से लेके जाओ. अंकित छोड़ो मुझे, उसे कुछ हो गया तो छोड़ो मुझे. अंकित मेरा हाथ छोड़ो, उसे कुछ हो जाएगा. वक्त आ गया है डैड से मिलने का. डोंट मेक मी शूट यू. फायर. तैयार हो मनुष्य हमारे आगमन के लिए. हमला. मैंने आने में देर तो नहीं की? जिसका मनुष्य युगों से वर्णन करता आ रहा है. हाँ शायद. इस अवस्था में मिलने के लिए मुझे क्षमा करें. ऐसा ना कहें ऋषिदेव. देव आप शायद वंचित हैं देवों के ऐसे कर्मों से जिन्होंने हमें हमारी ही जन्मभूमि से अलग कर दिया. वही भूमि जिसे आप खत्म करने में लगे हुए हैं. सिर्फ भूमि को नहीं परंतु इस मनुष्य प्रजाति को भी जो आजीवन सिर्फ देवताओं की प्रेरणा करता रहा और भूल गया कि इतिहास को रचने वाला कोई नर नहीं परंतु एक नारी थी. आपकी सभी रचनाओं को देवों ने विलुप्त कर दिया. हम इतने भी स्वार्थी नहीं कि खुद की प्रेरणा के लिए इतिहास को बदल दें पर देवों ने ऐसा ही किया. और क्या शास्त्रों में लिखा गया हर शब्द सत्य है? आपको क्या लगता है ये मनुष्य कभी आपको समझ पाएगा? कई युगों से मैं इन मनुष्यों के बीच में रह रही हूँ. ये मनुष्य प्रजाति आपको देवों से भी श्रेष्ठ मानती है. जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते परंतु अब इस दुनिया को खत्म करके आप अपने युगों की मेहनत लग्न और प्रतिष्ठा की ज्योति को मत बुझाइए. महसूस कर सकता हूँ मैं इस शरीर को. ये मनुष्य हमें कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा. अब वक्त आ गया है जन्मभूमि पर लौटने का. क्या आप मेरे साथ हैं? क्षमा करें आचार्य, ये विनाश शक्ति और ब्रह्म की रास्तांतरिक विचारधारा में मैं उलझना नहीं चाहती. मैं बस इतना जानती हूँ
कि कमजोरों की सहायता करना ही सर्वोपरि है, और ये मैंने मनुष्यों से ही सीखा है, और मैं आपको इस कार्य में सफल नहीं होने दूंगी। रोक दो ये सब। बादार। तुम्हारे पिता सुरक्षित हैं, हमेशा से थे। तुम्हें कैसे पता? मिलना चाहते हो उनसे? चर्चित, तुम यहाँ हो। मैं घर जा सकता हूँ, हम घर जा सकते हैं चर्चित, हम घर जा सकते हैं। दिस चूतिया ये पैसे तुम्हें यहाँ तक लाई है, और यही पैसे तुम्हें यहाँ से ले जाएगी। तुम समझ रहे हो ना? तुम समझ रहे हो? तुम समझ रहे हो चर्चित? तुम समझ रहे हो? ये मिले जाएगी। हम साथ में बाइक ठीक करेंगे। हाँ, मैं तुम्हें रोज सुबह कॉलेज छोड़ा करूंगा, रोज सुबह। हम तुम्हारा रूम साफ करेंगे, हम तुम्हारे मिलके रूम साफ करेंगे, और जब हम वापस आएंगे तो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट खिलाऊंगा। हम घर जा सकते हैं चर्चित, हम घर जा सकते हैं। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। मेरे डैड नहीं थे, तुमने मुझे धोखा दिया है। ठीक उसी तरह जिस तरह ये पेंसिल तुम्हें दे रही है,
तुम्हारे पिता जिंदा हैं ही नहीं चर्चित। ये सब करके तुम उनकी रूह को ठेस पहुंचा रहे हो। ये पेंसिल तुम्हारी और इस दुनिया की बर्बादी का कारण बन रही है। फेंक दो इसे। आप कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? नहीं, कभी नहीं। तुम जानते हो ना, तुम्हारी माम तुम्हारी कितनी फिक्र करती है। Never ever disappoint। आप बहुत टाइम के लिए कहीं जा रहे हो ना? बहुत नहीं, लेकिन थोड़े से लंबे वक्त के लिए। आप वापस तो आओगे ना? हम मिलकर तुम्हारी बाइक ठीक करेंगे और बहुत खुश रहेंगे, और मिस्टर खन्ना को तुम्हारी जिंदगी से दूर कर देंगे, बहुत दूर। 15 साल पहले हमें छोड़ के चले गए थे डैड, ये सब बातें आपको कैसे पता? चर्चित, ये क्या कर रहे हो? मत करो चर्चित। आप मेरे डैड नहीं हो, आप मेरे डैड हो ही नहीं सकते। इंसानियत कभी अपनी फितरत नहीं बदल सकती, वो सब एक दूसरे पर निर्भर है। मैंने मनुष्य से सिर्फ एक चीज सीखी और वो है प्यार। हम कितना भी आगे निकल जाएं, हम उसे कभी भूल नहीं सकते। ठीक उसी तरह जिस तरह चर्चित अपने पिता को नहीं भूल पाया। हम सबको किसी न किसी की तलाश है। मुझे जिसकी तलाश है वो मेरे बहुत करीब है, और मुझे यकीन है कि दुनिया में बहुत जल्द बदलाव आएगा। ऐसा बदलाव जो इंसानियत को फिर से ऊंचा कर देगा सबकी नजरों में। फिर मुलाकात होगी।